asalaamu As alaikum good morning class 5 students how are you hope all of you are fine and doing well at home this is your english class and today is thursday 16 july 2020 my name is miss faiza jaffa today we will do grammar work and in grammar we are going to do the story number one which is foolish a foolish merchant it is on page number 9 of your english grammar book so take out your grammar book so that we can start our lecture This is the page. First of all, write date and day at the top of your page. A foolish merchant. Can anyone tell me what does a foolish merchant mean? Foolish का आपको पता होगा. Merchant का बताइए. Foolish mean बेवकूफ. Merchant कहते हैं ताज़र को जो तज़ारत करते हैं, उसको हम merchant कहते हैं. Let's start the reading. वन सप ऑन अ टाइम कॉमा एक दफ़ा का जिक्र है आपने यहाँ कॉमा डालना है जब आप एग्जाम्स में लिखेंगे या कॉपी पे लिखेंगे और इसका ख़ास ख्याल रखना है अमरजेंट अर्न अ लार्ज सम ऑफ मनी बाई सेलिंग हि गुड्स एक ताजर ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए चीज़ें बेच के गुड्स चीज़ों को कहते हैं अगर ये यह एस यहाँ पर ना होता तो ये गुड होता और उसका मतलब होता अच्छा बट अगर एस होगा तो इट मीन अशिया चीज़ें ही हैड टू गो अ लॉन्ग वे टू रीच होम अब उसने घर जाना था घर जाने के लिए लंबा रास्ता था ही वेंट टू एन एंड टू गेट हिज़ हॉर्स वो अपना घोड़ा लेने के लिए एक सराये में चला गया इन कहते हैं एक छोटे होटल को जहाँ खाना पीना करते हैं द स्टेबल मैन ब्रॉट आउट हिज़ हॉर्स एंड सैट वहाँ पर उसका घोड़ा था तो घोड़ा स्टेबल मैन ले के आया स्टेबल मैन कहते हैं उस बंदे को जो घोड़ों की कोयर करता है संभालता है खाना पीना वगैरह उनकी केयर करने के लिए जो बंदा होता है उसको स्टेबल मैन कहते हैं उसका घोड़ा ले के आया और कहा अब यहाँ पे भी कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है सर देन सर के बाद इनदर कॉमा योर हॉर्स हैज़ लॉस्ट अ शू नेल आपके घोड़े के पाँव का एक नेल जो है वो गुम गया है हॉर्स के पाँव के नीचे एक लोहे की आ, आप कहें बेस लगाई जाती है जिससे हॉर्स ईजीली रोड के ऊपर चल सके तो उसमें से शायद कोई नेल गिर गया है तो स्टेबल मैन ने मर्चेंट को बताया कि आपके घोड़े के ना नेल नहीं है पाँव में आ, नेल हेयर मीन कील जो उसके नीचे शू है उसका कील नहीं है यू बेटर वेट तो आप बेहतर है कि इंतज़ार करें एंड हैव इट फिक्सड और इसको फिक्स करवा लें लगवा के जाएं द मर्चेंट सेट सॉरी ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स हैं आपने जरूर उसका ख्याल रखना है लिखते हुए द मर्चेंट सेट सॉरी आई हैव नो टाइम ना नहीं उसने कहा मेरे पास वक्त नहीं है इतना कि मैं नेल ठीक करवाऊँ मोर ओवर वन नेल मोर और लेस इन दी हॉ डज नाट मैटर मच और दूसरा मोड़ो मजीद ये कि अगर एक नल नहीं है या है तो इससे उसके शू जो नीचे लगा हुआ है उस पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना सेंग सो ही गॉट ऑन हिज़ हॉर्स एंड रश टूवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन ये क्या है कि वह घोड़े पर सवार हुआ और उसने बस घोड़ा चलाना शुरू कर दिया अपनी मंजिल की तरफ रश्ट मीन भागना डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल ओके सेकेंड पैराग्राफ आफ्टर समाइम अभी कुछ देरी गुजरी थी सफ़र करते हुए एन अदर नेल फ्राम द हॉर्स फ्राम द शू ऑफ दॉर्स केम ऑफ अभी सफ़र करते हुए थोड़ा टाइम गुजरा था कि एक और uh, कील जो था वो हॉर्स के शू में से निकल गया द हॉर्स बिगेन टू वॉक विथ डिफ़िकल्टी अब घोड़े को चलने में मुश्किल हो रही थी बींग इन अ हरी द मर्चेंट डिड नॉट स्टॉप टू रिपेयर द नेल बट मर्चेंट को बहुत जल्दी थी वो नहीं रुका और नेल को रिपेयर करवाने के लिए सोन द हॉर्स बिगेन टू स्टेगर जल्दी घोड़े ने लड़खड़ाना शुरू कर दिया मोर ओवर डार्कनेस प्रिवेल्ड एवरीवेयर और साथ ही शाम हो गई हर तरफ अंधेरा छा गया दिस फर्दर डिक्रीज द स्पीड ऑफ द हॉर्स अब अंधेरे की वजह से भी घोड़े को क्लियर नज़र नहीं आया तो घोड़े की स्पीड फर्दर और ज़्यादा कम हो गई डिक्रीज मीन कम होना थर्ड पैराग्राफ एज डार्कनेस वक्रीजिंग शाम रात हो रही थी अंधेरा बढ़ रहा था एंड ही वॉज गेटिंग लेट और उधर से मर्चेंट को देर भी हो रही थी क्योंकि घोड़े की स्पीड भी मुतासर हो रही थी सो ही गॉट डाउन एंड लेट हॉट्स तो वो एस ऐसा किया घोड़े से उतर आया और वो घोड़े को लेके चलना शुरू कर दिया लेड मीन आगे आगे रहनुमाई की उसकी यानी आगे चलना शुरू हो गया इन द मीन टाइम अ गेंग ऑफ रॉबर्ट्स अपेयर फ्राम द फॉरेस्ट इसी दौरान में जंगल में से डाकुओं का एक पूरा ग्रुप आ गया द मर्चेंट कुड नॉट स्पीड अप हिज़ हॉर्स एंड सेव हिज़ मनी अब मर्चेंट ना तो अपने घोड़े की स्पीड बढ़ा सकता था ना अपने पैसे बचा सकता था ही वॉज एट द मर्सी ऑफ द प्लेंडर्स अब जो लूटने वाले आए थे वो उनके रहमोक्रम पे था प्लेंडर्स मीन लूट मार करने वाले दे थ्रस्ट हेम थॉर उन्होंने उसको कम्प्लीटली चेक किया एंड स्नैच हिज मनी उसकी मनी छीन ली द मर्चेंट रिटर्न होम विथ अ लैम हॉर्स विथ एम्पी पॉकेट जब मर्चेंट घर पहुँचा तो बस उसका एक घोड़ा जो था वो लंगड़ा था और खाली पॉकेट्स थी पैसे उसके सारे वो लेके चले गए हुए थे जो ही केयरलेसनेस हैट कॉस्ट हैवी प्राइस और उसकी लापरवाही ने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की मोरल अस्टेज इन टाइम सेव्स नाइन वक्त पे अगर आपने एक स्टिच लगाना है एक सिलाई करनी है तो बेहतर है हो सकता है बाद में आपको उस एक की जगह नौ स्टिचेस लगाने पड़े मीन्स के वक्त पे काम हो सकता है आपको थोड़ा करना पड़े अगर आप वो ना करें तो बाद में उसकी आपको ज़्यादा करना पड़ जाए हेवी पेमेंट करनी पड़ जाए जै, जैसे कि मर्चेंट के साथ हुआ ओके स्टूडेंट्स दिस इज़ द स्टोरी विच हैच यू हैव टू लर्न आप इसे थ्री पैराग्राफ्स हैं वन बाय वन पैराग्राफ्स को लर्न कीजिए स्टोरी को आप पास्ट में लिखते हैं आपने इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और वाज वर हैड और आ, का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट की कोई कोई चीज़ आपने यूज़ नहीं करनी है से और उसके बाद मोरल स्टोरी के एंड पे आपने मोरल ज़रूर लिखना है अब आप इसकी एक दो दफ़ा रीडिंग करें और पैराग्राफ नंबर वन को लर्न करें और अपनी कॉपीज पे लिखें और इसी तरह से फिर पैराग्राफ नंबर टू को लिखें और थ्री को लर्न करके लिखें और ख़ुद से चेक करें कि कहीं पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है होपफुली आप इसको बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इस स्टोरी से आपने लर्न भी किया होगा कि किस तरह से वक्त पे काम करना वक्त पे एहतियात से चीज़ों को संभालना बेहतर होता है थैंक यू